আজকে আমি তোমাদেরকে এমন একটা গল্প বলবো যেখানে আমাদের মতন ইউথরাই অর্ধেক সময় ফেসবুক ইনস্টাগ্রামের সময় শেষ করে দিচ্ছে, আর ওখানেই এরকমও ইউথ দেখা যাচ্ছে যারা নিজের স্বপ্নগুলো বাঁচিয়ে রেখে পুরো কেদারনাথ সাইকেল করে উঠছে। আজকে এনাদেরই গল্প আমি তোমাদের সামনে প্রস্তুত করছি। এখন আমার সামনে যারা দাঁড়িয়ে আছে দুটো ভাই আসছিল রাজস্থান থেকে, দেখতে পাচ্ছ স্যার আপ লোক কা ক্যা রাহা কি আপ লোক এসে প্যাদল বহুত জন প্যাদল ভি করকে ভারত যাত্রা কর রহা হ্যায়, আপকা ক্যাসে লাগা কি সাইকেল করকে কেদারনাথ আতে হ্যায় করকে? मैं पिछले 1.5 साल से साइकिलिंग कर रहा हूँ, अभी लद्दाख कवर करता रहा हूँ। लगभग 16,000 किलोमीटर ऑल ओवर इंडिया साइकिलिंग कर ली, साल के अंदर 60,000 किलोमीटर पूरे कवर करके ऑल ओवर इंडिया लॉन्गेस्ट जर्नी सिंगल कंट्री गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा हूँ। अच्छा, 2025 में एवरेस्ट बेस कैंप तक इससे और उसके बाद एवरेस्ट टॉप क्लाइम करने का एक छोटा सा ड्रीम लेके निकले हैं। क्या बात, बाबा केदारनाथ के दर्शन कर, इसके बाद आपका क्या प्लान रहा? अभी पूरा इंडिया कवर कर रहा हूँ, पूरा इंडिया कवर कर रहे हैं, उसके बाद एक छोटा सा ड्रीम है एवरेस्ट, और आगे वाला ड्रीम बहुत बड़ा है, वो बाद में रिवील करेंगे। तो सर ये जो आपने ऐसे करके घर से निकला, मम्मी पापा मतलब फैमिली वगैरह क्या बोलते हैं? शुरुआत में तो हर कोई मना ही करता है, लेकिन जीत के आगे सब मान जाते हैं, सब मान जाते हैं। सर आपका भी बोलिए, आप कहाँ से आ रहे हो सर? मैं भी राजस्थान के, मतलब आप दोनों जानते हो एक दूसरे? नहीं, हम सोशल मीडिया के थ्रू मिले थे, तब अच्छा बन गए। अच्छा, तो आपका आपका भी सेम ही प्लान है क्या? नहीं सर, मैं अभी मुझे आज डे 27 है। अच्छा, ट्रिप का ओके, और अभी मुझे भी मतलब ऐसे साइकिल राइड स्टार्ट करनी थी। ओके, तो सबसे फर्स्ट डेस्टिनेशन मैंने यही चूज करी, अब इसके बाद मैं इंडिया नेपाल भूटान करना चाहूँगा। क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छा लगा सर आपसे। सर वैसे साइकिल में आप जो चलते हो कोई दिक्कत नहीं होता रास्ते में? घर से निकलते ही दिक्कत शुरू होती है एकदम, और जो ड्रीम बड़ा हो एकदम मोटी दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, इसी में मजा ढूंढते और मजा आता है। तो इतना दिन से आप जो ट्रैवल कर रहे हो, खर्चा कितना आता है, कैसे कर लेते हो खर्चा सर? यूट्यूब चैनल भी रन करते हैं। अच्छा, पब्लिक सपोर्ट है, पब्लिक सपोर्ट से रन मतलब सपोर्ट, वो पब्लिक सपोर्ट भी हेल्प करता है, तो चैनल मोनेटाइज भी हो गया लगता है आपका। ओके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा आप लोग से मुलाकात करके, खुशी हुई। ठीक है, क्योंकि आप लोग हर युवा को अभी देखिए अभी का जेनरेशन क्या है, इंस्टाग्राम सब मतलब सोशल मीडिया पे ज्यादा है, लेकिन आप लोग क्या है मतलब लाइफ को लीड कर रहे हो, बात वही हो, जीना किसको बोलता है आप लोग से सीखा जा सकता है, कहाँ कहाँ एक्सप्लोर कर रहे हो, उसके बाद कहाँ जाना है, बहुत अच्छा हुआ, नाम भी बहुत अच्छा, हिंदुस्तानी मुसाफिर। अगर कोई देख रहा है चैनल को जरूर शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। नाइस टू मीट यू ब्रदर, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू भाई। यस, टेक केयर, ओके, जाइए जाइए। সো গাইস, এখন আমি যে টেন্টের মধ্যে রয়েছি, যে সবাই এখানে ভালো ভালো অসাধারণ অসাধারণ পার্সোনালিটির লোকজনের সাথে আমার দেখা হয়েছে, আমি এক একটা ইনফরমেশান তোমাদেরকে দিচ্ছি। যে টেন্টের মধ্যে রয়েছে এটা আমাকে ললিত বাবাই বললে টেন্টের মধ্যে থাকতে, তাই আসলাম। আমার সাথে ইনি যে রয়েছে ইনি হলো সুবোধ। হ্যাঁ, নমস্তে। আর আপনি দাদা ক্যা ক্যা ওয়ার্ল্ড রেকর্ড কিয়া একবার বস মেরে চ্যানেল কে বতাইয়ে। इंटरनेशनल लिम्का और एशिया में अटेम्प्ट हुआ है रिकॉर्ड, मैंने महाराष्ट्र स्टेट के जितने भी पहाड़ है वो नॉन स्टॉप सिंगल रो में 290 डेज में 361 पहाड़ चढ़ चुका हूँ, और मेरा मतलब टारगेट था 365 डेज के अंदर करना, लेकिन वो मैंने 290 डेज में कंप्लीट कर लिया, तो उस चीज़ का रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। और एक सिंगल स्टेट में 18,000 किलोमीटर साइकिलिंग कर चुका हूँ। अच्छा, और भैया ये आप पहले जॉब वगैरह क्या करते थे? जी, वैसे तो मेरा एजुकेशन बैंगलोर में हुआ। अच्छा, मैं एक प्रोफेशनल शेफ हूँ, एक प्रोफेशनल माउंटेनियर। अच्छा, वैसे अभी फिलहाल साइक्लिस्ट भी हूँ। अच्छा, साइक्लिंग अभी पिछले एक सालों से कर रहा हूँ। अच्छा, और अभी दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन क्लाइंब करने के लिए निकले, 2025 में एवरेस्ट का एक्सपीडिशन करने जा रहा हूँ। तो सर से मेरा मुलाकात ये केदारनाथ में ही हुआ है, तो सर आप अपना कुछ अच्छा एक्सपीरियंस बताइए कि मैंने बहुत आपका देखा कि नितिन गडकरी जी से भी आपका फोटो है, तो मतलब आपने एक साल में सारा कंप्लीट किया, ये आपका दिमाग में आया? हाँ, 290 दिनों में। तो ये आपका दिमाग में आया कैसे, जे जॉब वगैरह छोड़ के निकल पड़ते ये सब ट्रेकिंग वगैरह में? देखो कैसा है, जॉब में ना वो किक नहीं थी, मैं मतलब अच्छी खासी सैलरी मिल रही थी, लेकिन वहाँ पे कैसा होता है ना, आप ना किसी के नीचे दबे हुए रहते हो, आपको किसी के अंडर काम करना पड़ता है,
वो सब चीजें पहले से पसंद नहीं थी। काम करूंगा, मेहनत करूंगा तो खुद के लिए, और मुझे खुद को ग्रो करना है, ना कि किसी और बड़ी कंपनी को। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो बस एक ही साल मैंने अपने आप पे फोकस किया और मैं यहाँ तक, मैं गूगल तक पहुंच गया। वाह क्या बात क्या बात। ऐसे ही और मैं 2-4 साल अगर करेक्ट 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 कहाँ जा सकते हो। तो सर अभी के युवा और हम लोग में बहुत अंतर है। अभी के युवा भारी इंस्टाग्राम फेसबुक में आधा समय बिता देते हैं, ठीक है, बट ये जो आप कर रहे हो ये फिटनेस भी है, मेंटल हेल्थ भी आपको बहुत ग्रो करते हैं, ठीक है। तो आप कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं युवा को फिटनेस रिलेटेड? फिटनेस रिलेटेड जो भी मतलब। तो देखो मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे यार, ड्रीम्स की जो आप देखते हो वो ऐसे ही नहीं आते ड्रीम्स यार। आपको कोई ऊपर से दिखा रहा होता है कि आप कितने कैपेबल हो, करेक्ट, आप ये कर सकते हो, बस ना वो ड्रीम्स को ना उस पे ट्रस्ट करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है अगर आप अपने ड्रीम सपनों में यार बिलीव करोगे तो 101% पूरे होते ही है। बस फेथ होनी चाहिए और बिलीव रखना चाहिए और कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी और जितना भी समय लगे बस हार नहीं छोड़ना। बस हार नहीं मानना, जो भी है जो भी है बस प्रभु देख लेगा, ठीक है। अगर भरोसा है तो यार सब कुछ मुमकिन है। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सुबोध भाई, ठीक है। इनका इंस्टाग्राम का भी एक पेज है ट्रैवल विद सुबोध, ट्रैवल विद सुबोध। तो आप लोग चाहते जो तुमरा चाहो तो फॉलो करे नो। खूब भाल लगलो कथा बोला, अपना ख्याल रखना, ठीक है। আমার সামনে যে এখন তিনটে ভাই আছে বসে, এনারা তিনজনই পুরো ভারত যাত্রা করছে কিন্তু সাইকেল করে, ঠিক হ্যাঁ। তো স্যার আপনার নাম পেলে বাতাইয়ে। সন্দীপ, হরিয়ানা সে। স্যার কুছ আপনার এক্সপিরিয়েন্স থা বাতাইয়ে না, মতলব আপলোক তিনজন এসে ট্রাভেল বগেরা করতে দো জন, তো কুছ আপলোক কা থোড়া এক্সপিরিয়েন্স ভি বাতাইয়ে, মতলব ক্যা ক্যা পরিশানি হোতা হ্যায়, ক্যা ক্যা হোতা হ্যায়, বহুত জন কো ইয়ে জাননে কা অবসর ভি মিলতা হ্যায়, আপলোক কে দ্বারা থোড়া বাতাইয়ে না। साइकिल से अब तो हर कोई जाने लग गया कि हमें देखकर ज़्यादातर भाई कहते हैं कि भाई हमें भी आपके साथ में ट्रैवल करना है, तो हमें कहते हैं भाई कर लो पहले, लेकिन अपने वहाँ पे ट्राई करो। अब डायरेक्ट अगर आप जाते हो तो बीच रास्ते में कई ट्रिप छोड़ के भाग जाओ तो अच्छा नहीं रहता, करेक्ट। तो पहला तो यही है कि भाई पहले अपने आसपास साइकिल ट्रैवल करो, उसके बाद में फिर वीडियो देखते रहो कि भाई क्या क्या सामान लेना चाहिए। आधा सामान लेके आ रहे हो, आधा घर छोड़ के आ रहे हो, फिर बीच रास्ते में कह रहे हो यार मैं तो लेके नहीं आया। तो अच्छा। पहले हर चीज की जानकारी ले लो कहीं भी ट्रैवल करने से पहले, या पैदल ट्रैवल करते हो या गाड़ियों से या फिर साइकिल से, तो हर चीज की जानकारी और जहाँ भी ट्रैवल करना है जिस लोकेशन को, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन पहले निकाल लो कि भाई ये जगह है। तो सर एक मैं आपको बात बोलना चाहता हूँ, आप इतना ट्रैवल कर रहे हो तो 2 साल या 3 साल आपका लगभग हो चुका है, कुछ नेगेटिव पर्सन से भी आप मुलाकात हुआ बा कुछ हुआ है आपका, थोड़ा इंसिडेंट थोड़ा बताइए ना। होता है हर जगह होता है। अच्छा। अगर कहीं पे अच्छे भी है तो बुरे भी है। अच्छे 80% मिल जाते हैं, 80-90% मिल जाते हैं, बाकी कहीं कहीं 10%। अच्छा। अभी जैसे हमने नॉर्थ ईस्ट का ट्रिप किया, उससे पहले यूपी बिहार भाई क्या बंदे मिलते हैं भाई। अच्छा। कहते हैं ना कि यूपी बिहार वाले पिछड़े भाई एकदम, पर जो दिलदार आदमी है ना यूपी बिहार वाले, वो भाई क्या बंदे है भाई। मैं यूपी बिहार में जब एंटर किया ना, दिमाग में तो यही था कि यार ऐसे लोग मिल जाएंगे, लेकिन बंदे बड़े दिलदार मिले। अमोट है रे यूपी बिहार वाले। हाँ, और ऐसे प्यारे ना। और नॉर्थ ईस्ट में एक दो जगह भी दिक्कत थी, जैसे नागालैंड में वहाँ पर शराब पी के थोड़े हमारे गाड़ी साइकिलों को रुकवा लिया था और कह रहे थे कि भाई वापिस जाओ। और एक इंसिडेंट हुआ था दार्जिलिंग में, हम 4 लोगों का ग्रुप था जिसमें से आगे पीछे चलते रहते साइकिल वाले, तो जो 2 बंदे पीछे आ रहे थे ना, 2 हम आगे चल रहे थे, तो उनमें से एक बंदे को किसी ओल्ड एज ने रुकवाया था, तो वो कह रहा था कि भाई आप यहाँ मत घूमो, आप अपने इंडिया में जाके घूमो, ये बात थी दार्जिलिंग की। फिर वहाँ पे कुछ भाई और आए, उन्होंने उस ओल्ड एज को समझाया कि भाई ये भी तो इंडिया का ही पार्ट है, ये इंडिया से बाहर थोड़ी है दार्जिलिंग। सच में दार्जिलिंग में ऐसा हुआ था, असल में मैं वेस्ट बंगाल से हूँ इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बुरा तो नहीं 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 क्या बुरा है। मैं बात शेयर भी की थी कि भाई अच्छा उस बंदे की वीडियो बनाने वाले थे, पर वो आके जो और लोग थे कह रहे भाई रह दो हम भाई बदनाम हो जाएगा, सही बात है। लेकिन हुआ था भाई हमारे साथ, 2-3 इंसिडेंट रहते, ठीक है सर। आप लोग से मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा, ऐसे आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। हर हर महादेव। तो हमारा चैनल है भाई जी, हाँ चल, हाँ बताइए। इंस्टाग्राम पे मेरा ट्रैवल विदाउट पैसा, अपना है SPT इंडिया व्लॉग्स, आपका যদি তোমরা গিয়ে চ্যানেল গুলো দেখো যদি ভাল লাগে অবশ্যই অবশ্যই শেয়ার সাবস্ক্রাইব করো। এরা কত মেহনত করছে জন্য, অনেক মেহনত করছে, মানে তোমার ফ্লাইং বিস্টের একটা ভিডিও এসেছিল কত কষ্ট করে পুরো জয়পুর হয়ে দেশ কা ধ্বনি করেছিল, তাহলে ভাবো এনারাও কত কষ্ট করছে। প্লিজ সাপোর্ট করো এনাদেরকে, মানে বলছে যে পা ব্যথা হয়ে যায় এত এত। কিতনা কিলোমিটার ফির ভি ট্রাভেল কর লেতে একদিন মে দিন মে হাইয়েস্ট জো কর রাখা হ্যাঁ
उसके हिसाब से बताएं तो हमने मैंने 158 कर रखा था 150 और आप 200 तले भावो माने खूब भाल लगलो आप लोग से बात करके धन्यवाद बस महादेव की कृपा आप लोग के ऊपर बने रहे धन्यवाद जय बोलेगी जय बोले ना जय